Now let us take this question. What it says, if in this figure, you have a figure they have a, it's my DE is parallel to AC. Now DE is parallel to AC. ये दोनों आपस में parallel हैं. DE is parallel to AC and DF is parallel to AE. Now DF का ये DF है. This DF is parallel to AE. ये इसके parallel है. Okay. ये दो लाइन आपस में parallel हैं और ये दो लाइन आपस में parallel हैं. ये हमको given है. Now prove that BF upon FE is equal to BE upon EC. ये हमको prove करना है. ठीक है. Now let's see proof क्या है इसका. अब हमें क्या चाहिए, हमें सबसे पहले क्या कैसे अप्रोच करेंगे इस क्वेश्चन को. किसी भी क्वेश्चन का अप्रोच करने के लिए हम देखते हैं कि हमको फाइनली क्या चाहिए. लास्ट में हमको क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है बीएफ अपॉन एफई और बीई अपॉन ईसी के बारे में पूछा हुआ है, इसको हमें प्रूव करना है. नाउ बीएफ अपॉन एफई को अगर हम इस फिगर में देखें, दिस इज बीएफ एंड दिस इज एफई. ये बीएफ है और एफई है. इसका रेशियो अगर हमें फाइंड करना है तो हमें कौन से ट्राइंगल को देखना पड़ेगा. BF और FE का रेशियो अगर हमें देखना है तो कौन से ट्राइंगल मिल रहा है हमको. ये हमको ट्राइंगल में मिल रहा है BEA. ये ट्राइंगल में हमको मिल रहा है BEA. नाउ लेट अस सी दिस ट्राइंगल BEA को हम अलग से कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं लाइक दिस. BA एंड E इस ट्राइंगल को हम कंस्ट्रक्ट करते हैं. इसमें एक पॉइंट FE भी आ रहा है. नाउ कहीं पे ये पॉइंट हमको F दिया हुआ है. F पॉइंट भी इसमें आ रहा है इस ट्राइंगल में. ओके बीई ए ट्राइंगल और F आ रहा है. ये हमने क्यों लिया, क्योंकि हमने यहाँ रेशियो देखा BF और FE का रेशियो चाहिए. यहां से हमें क्या दिया हुआ है, एक लाइन जो पैरेलल है AE के. नाउ AE के पैरेलल एक लाइन दी हुई है हमको एंड दैट इज दिस. ये है D और F. ये लाइन पैरेलल है. नाउ इस फिगर को देख के हम क्या समझ सकते हैं, इस फिगर को देख के हम समझ सकते हैं कि एक ट्राइंगल है BAE और इसमें जो साइड है AE उसके पैरेलल एक लाइन DF डली हुई है. DF लाइन AE एक साइड के पैरेलल है. तो हम अपने इसको थ्योरम को रिकॉल करेंगे तो हमको क्या समझ में आएगा कि कोई भी ट्राइंगल में, किसी भी ट्राइंगल में अगर एक साइड के पैरेलल कोई लाइन हो तो वो लाइन इस बाकी की दोनों साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है. ओके तो ये चीज को हम लिखना है, मतलब कि BF अपॉन FE इज इक्वल टू BD अपॉन DA. ये हमको यहां पे समझ में आ रहा है BF अपॉन FE इज इक्वल टू BF अपॉन FE इज इक्वल टू BD अपॉन DA. ये हमें यहां पर समझ में आ रहा है इस ट्राइंगल को देख के. अब इसी बात को हम यहां पर लिख देते हैं. ठीक है तो हमने कहां से शुरू किया, इन ट्राइंगल BEA. BEA BEA ट्राइंगल में क्या है, DF इज पैरेलल टू AE. DF इज पैरेलल टू वन साइड, तो अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन कॉमन रेशो या सेम रेशो डिवाइड होंगी. इंप्लाइज क्या बनेगा, BF अपॉन FE इज इक्वल टू BD अपॉन DA. नाउ दिस इज अवर इक्वेशन नंबर वन. ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई. ठीक है यहां से हमने इस तरह से फाइंड आउट करना. दूसरा हमें क्या निकालना है, इसको भी बताना है BE अपॉन EC के बराबर है. तो बी इस फिगर में, ओरिजिनल फिगर में हमको बीई और ईसी कहां मिलने वाला है. नाउ बीई एंड ईसी, ठीक है बीई और ईसी ये हमें कहां मिलने वाला है, इस ट्राइंगल ए बी सी को यूज करेंगे तब हमें ये रेशियो बीई और ईसी मिल सकता है. ना तो अब हम क्या देखेंगे, ट्राइंगल ए बी सी. तो ए बी सी को ही बना लेते हैं पहले. नाउ दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी. और यहां पे कोई पॉइंट हमें दिया हुआ है दैट इज ई, जिसको भी हमें यूज करना है. हमें क्या बीई और ईसी को यूज करना है, तो ई को यूज करना है. नाउ ई के थ्रू हमें क्या दिया हुआ है, एक लाइन पैरेलल है डीई जो एसी के पैरेलल है. नाउ डीई जो एसी के पैरेलल लाइन दी हुई है, दिस इज डी. अब हम इस लाइन को देख रहे हैं.
अब हम ये लाइन्स को नहीं देख रहे हैं, हम ये लाइन को देख रहे हैं जो इसके पैरेलल दी हुई है हमें, ठीक है, डीई जो एसी के पैरेलल है। तो जैसा हमने यहां किया था वैसा ही रेशियो हम यहां फाइंड आउट कर सकते हैं, बीई अपॉन ईसी इज इक्वल टू बीडी अपॉन डीए। ओके, नाउ लेट अस सी, ये चीज को हम लिख लेते हैं। इन ट्राइंगल BCA, कोई हमारे पास ट्राइंगल है BCA, इस ट्राइंगल में क्या हो रहा है, DE इज पैरेलल टू CA, DE इज पैरेलल टू AC, ठीक है, DE जो है AC के पैरेलल है। थर्ड साइड टू द अदर टू साइड, यहां सिमिलरली लिख लीजिए इसी तरह से, इसलिए क्या हो जाएगा अब BE अपॉन EC इज इक्वल टू BD अपॉन DA। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर टू, ठीक है, BE अपॉन EC, ये हमें फाइंड आउट करना था। यहां से हमने देखा किस ट्राइंगल में मिल रहा है, उस ट्राइंगल से लेकर हमने उसको फाइंड आउट कर लिया BD अपॉन DA, ठीक है ना। अब इक्वेशन वन और इक्वेशन टू अगर हम दोनों को गौर से देखें तो दोनों का RHS सेम है, BD अपॉन DA है, ये भी BD अपॉन DA है, इसका मतलब ये दोनों आपस में सेम होंगे। अगर RHS सेम है तो ये दोनों आपस में भी सेम होंगे, तभी तो RHS सेम हुआ। नाउ फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, दोनों इक्वेशन को अगर हम देखें तो वी कैन से BF अपॉन FE इज इक्वल टू BE अपॉन EC, BE अपॉन EC, BF अपॉन FE इज इक्वल टू BE अपॉन EC, एक तो हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड।